हेलो फ्रेंड्स, ISM 51 पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ पर आज दीपक नाइट्राइट को लिया हुआ हूँ। दीपक नाइट्राइट देखिए, हमने इसको आज समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग चार्ट पे और टाइम फ्रेम के साथ। ये देखिए, दीपक नाइट्राइट जो है, यहाँ से जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले लगा रखे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर ये जो है, देखिए एरिया जो है इनका, ये लास्ट टाइम जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था दीपक नाइट्राइट ने, 274 रुपये था। इसका डेट देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। ये देखिए, 1 अप्रैल 2019 को इसका रेट जो चल रहा था 271 रुपये 38 पैसे रेट था, और आज का डेट हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। ये लास्ट में जो इनका फाइनली ब्रेकआउट था, ये इनका ब्रेकआउट रेंज था, उस टाइम रेंज था इनका 306 रुपये। ये देखिए, ये 306 रुपये जो है 71 पैसे इनका रेट था दीपक नाइट्राइट का। और यहाँ से जब कंटिन्यू मूव अपवर्ड की तरफ दिया ऊपर की तरफ, तो देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता ही चला गया ये। ये देखिए, यहाँ से लेकर ये जो ब्रेकआउट होने के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ गया। लगभग कितना पॉइंट देख सकते हैं, ये 306 से लेकर सीधा ये जो है लगभग 2200-2300 के आसपास ये देखिए आके जो होल्ड किया था, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। टाइम फ्रेम को चेंज करके हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं धीरे धीरे, सो समझने की कोशिश करते हैं। और ये हमने यहाँ पर ये लगा रखे हैं जो है अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो देख रहे हैं, ये कलर, ये अलग अलग लाइन जो देख रहे हैं, इसको हमने चेंज करके थोड़ा एक कम पे लगाते हैं। थोड़ा सा सिर्फ फाइव एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रहने देते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं अभी। ये देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसके देखिए कि रेंज बाउंड में कहीं कहीं बहुत ही टाइम से इन्होंने कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह पर। ये देखिए, इनको थोड़ा सा यहाँ से समझने में आसानी होगा। ये लेते हैं एक, देखिए इनका क्या है ये फिलहाल। ये देखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आएगा समझने में कि दीपक नाइट्राइट जो है एक फ़िलहाल रेंज बाउंड में काम कर रहा है। ये ज़बरदस्त रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। थोड़ा सा ये लग रहा है ठीक से आया नहीं, अगेन इनको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, एक फ्रेम बनाने की। ये देखिए, ये करेक्ट रेंज है इसका लगभग। ये देखिए, एक लगभग ऊपर की रेंज में 2257 मतलब 2300 पकड़ लीजिए, ये जो है 2300, और नीचे की तरफ ये देखिए लगभग ये रहा इस रेंज में 1900। ये 200-300 पॉइंट के ड्यूरेशन में कब से कब तक टाइम निकाला है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लगभग 21, ये जो है ये जून के आसपास से, 21 जून के आसपास से, और ये देखिए लगभग ये इस टाइम से शुरू हुआ कंसोलिडेशन सितंबर के आसपास से, और ये अभी चल रहा है क्या, अभी चल रहा है 8 अप्रैल 2024, मतलब इतना टाइम तक एक जोन में कंटिन्यू ये ट्रेड करके कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इतने टाइम के बाद हम लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आने वाले टाइम में दीपक नाइट्राइट जो है एक पूरा केमिकल सेक्टर की बता रहे हैं, यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन मूव आने की संभावना है। थोड़ा मैं वीकली टाइम फ्रेम से हटा कर अब डे टाइम फ्रेम की ओर के लगा के चलता हूँ, थोड़ा और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। डे टाइम फ्रेम पे देखिए कितना लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया उसका, एक ही जोन में लगभग ये ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये क्या है, ये अगर आप समझेंगे इतना लॉन्ग टाइम तक ये जो है कंटिन्यू इस जोन में ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, एक लगभग करेक्ट रेंज बॉन्ड में आके फंसा हुआ है। ये देखिए ऊपर की रेंज ये पकड़ लीजिए इसका, कंटिन्यू इतना लॉन्ग टाइम तक एक जगह ट्रेड करना बहुत ही, मतलब एक टाइम वाइज करेक्शन बोल सकते हैं इसको, काफ़ी टाइम इन्होंने लिया है यहाँ पे। तो इसका एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से बहुत ही बेहतर रिजल्ट, मतलब आगे की तरफ जो अपसाइड ट्रेंड दिख रहा है फिलहाल आने वाले टाइम में, बहुत ही बेहतर हो सकता है। फिर भी मार्केट है, ये कहावत है ओवरऑल की मार्केट सर्वोपरि है, यहाँ किसी की नहीं चलता है, और ये हमेशा अपने हिसाब से हमेशा जो है सरप्राइज करता है लोगों को। अब टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और इन्होंने लोग इसमें चेंज करके धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम को देखते हैं,
1 घंटे में देखेंगे तो काफ़ी टाइम से देखिए ये सेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है फिलहाल जो इन्होंने रिवर्स लिया है, यहाँ से देखिए रिवर्स लिया 2129 के आसपास से फिर ऊपर की तरफ अभी 2227 के आसपास चल रहा है और 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में देखिए एक यहाँ एक छोटा ब्रेकआउट दिया है, लगभग ये रेंज में भी काफ़ी टाइम इन्होंने 2285 के आसपास था, यहाँ से 1522 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में थोड़ा सा आने से है। और देखिए ये लगेगा आपको, ये देखिए एक ये ब्रेकआउट जोन था एक तरह से कहते हैं, अब उसी जोन पे लगभग फिलहाल करेक्ट ये खड़ा है। तो ये क्या कर सकता है, अगर देखिए ये यहाँ से जैसे ही डे लेवल पे इस लेवल को पहले क्रॉस करता है 2367 को, तो ये जो है एक अच्छा इनका लगभग पुराना जोन में आके कंसोलिडेट माना जाएगा इस जगह पर। और यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है 2372 से ऊपर, तो फिर ये इनका जो पहला सपोर्ट जोन होगा 2500 के आसपास, देन इतना टाइम जो लॉन्ग ड्यूरेशन इन्होंने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है तो ये मान सकते हैं इसका। देखिए ये जो रेंज बॉन्ड था ये ड्यूरेशन रहा था, यहाँ से मान के चलते हैं 1667 तो 1674 और 1700, तो यहाँ से मान के चलिए अभी 2500 तो अप्रोक्सली ये ईजिली रूप से 3200 से 3300 के आसपास मतलब इनका टारगेट हो सकता है। तो आप लोग दोस्तों नज़र बनाए रखें और इसके ऊपर अपना एक तरह से डिस्क्लेमर है मेरा, आप लोग कभी कॉन्शियस होकर ट्रेड करें, अगर हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से ट्रेड करें। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।